हाय स्टूडेंट्स, तो वॉल्केनो का जो प्रोसेस थी, वॉल्केनिसिटी, उसका हमारा थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। उसमें हम पढ़ेंगे कि विश्व के वितरण कहाँ कहाँ है ज्वालामुखी का, और हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि जो उद्भव के आधार पर उद्भव में लगने वाला समय, मतलब उद्गार में लगने वाला समय, उसके आधार पर इसको कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, उद्गार की अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर क्या होता है ना कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि कुछ ही समय में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ ये होते हैं कि जैसे उद्गार होता है उद्गार होते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उस करके इनको पार्ट किया गया है, किसके समय के आधार पर, अवधि के आधार पर या सक्रियता के आधार पर, हम कह सकते हैं सक्रियता के आधार पर तीन भागों में बांटा है, जागृत या कह दो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रक्षुब्ध या सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा कह दो मृत या शांत ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, इसमें से जैसे जैसे ज्वालामुखी का नाम बताऊंगी वैसे वैसे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी और जितने भी आईपीएससी टीचर लाइन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा। नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा, क्योंकि इसके भी अंदर पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ उद्गारित है या कहाँ उद्गार होता है, तो वो कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ का ज्वालामुखी है ये। ठीक है, फिर ये तो हो गया उद्गार की अवधि के आधार पर। अब उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर मतलब दो तरीके के उद्गार होते हैं, एक तो दरारी उद्गार और एक केंद्रीय उद्गार। दिख नहीं रहा था, तो दो टाइप के होते हैं क्या, एक केंद्रीय और एक केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी और दरारी जो उद्गार के ज्वालामुखी। तो यहाँ ऐसे करके लिखिएगा, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और एक क्या हो जाएंगे दरारी उद्गार के। तो केंद्रीय उद्गार में क्या होगा कि जो वेंट था, जो ज्वालामुखी पाइप था, उसके थ्रू जो उद्गार होगा वो केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी के होंगे। और जो दरारी उद्गार में ये होता है कि मतलब थोड़ा सा, वन मिनट गाइस, एक्चुअली अभी स्टार्ट करिए, ठीक है ना, ज्वालामुखी टॉपिक तेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, देख ले ना, वो स्टार्ट ही किया था उस वीडियो में मैंने और इस वीडियो में उसका थोड़ा पार्ट और है, देख ले। तो केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार के जो ज्वालामुखी होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो वेंट होता है, जो ज्वालामुखी पाइप होता है, उससे जो उद्गार होता है वो केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार के, जो दरारी उद्गार होता है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब गैसों का दबाव इतना अधिक हो जाता है, गैसें इतनी अधिक हो जाती है कि जहाँ भी उनको थोड़ा सा वीक पॉइंट मिलता है वहीं से वो उद्गार कर लेते हैं। तो मतलब एक दरार के टाइप में, दरार ये नहीं कि छोटी मोटी हो गई, 10 मील तक, बड़ी बड़ी मील तक दरार होती है और उनका विस्तार फिर उतना ही दूर में होता है। मतलब ये मान लो 350, 300, 350 मील तक उद्गारित तो ये जो भी पदार्थ होते हैं वो फैल जाते हैं। तो केंद्रीय उद्गार में भी ज्वालामुखी अलग अलग टाइप के हैं। देखिए, हवाई तुल्य, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, बेल कैनो तुल्य
स्ट्रोम्बोली तुल्य, बोली तुल्य, ज्वालामुखी। ये चंचल आपके जो बीए में आएंगे ये टॉपिक अगर क्लियर हो रहा है तो देख लो, ठीक है? सच में आएंगे। और क्या होता है ना एक्चुअली कि जो एग्ज़ाम देते हैं ना कॉलेज एग्ज़ाम, उसमें थ्योरी लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होते, तो समझ जाएगी तो थ्योरी लिखी देगी उसके अंदर, है ना। स्ट्रोम्बोली तुल्य, बेलकोनो तुल्य और विसुवियस तुल्य, विसुवियस तुल्य। एक होता है पिलियन तुल्य, पिलियन तुल्य। प्लिनी महोदय ने इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम पे इसको पिलियन तुल्य ज्वालामुखी बोला जाता है। अब देखिए ये डायग्राम बना लीजिए पहले, कि प्रकार के बारे में बात करें, ऊपर प्रकार डालिएगा, एक ये एक ये, फिर इसके फर्दर पार्ट्स हो गए और इसके ये पार्ट्स हो गए। अगर एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पेपर में अगर ऐसे डायग्राम बनाते हो ना, तो आपके डायग्राम के बेस पे भी आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाता है। तो एक क्या हुआ गाइस, सक्रियता के आधार पे या उद्गार के जो समय लगता है उसके आधार पे जो ज्वालामुखी हैं, और एक क्या है उद्गार के आधार पे कि कहाँ से इनका उद्गार होता है। तो जल्दी से देखिए, चलिए अब बात करते हैं उद्गार की अवधि के आधार पे, एक एक की बात करते हैं। इसके अंदर ज्वालामुखी आएंगे, उनका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी किस प्रकार का है। चलिए शुरू करते हैं। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, तो वे ज्वालामुखी जो क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, समय समय पर जिनमें उद्गार होता रहता है, समय समय पर उद्गारित होने वाले ज्वालामुखी। बस इसके अंदर और कुछ याद नहीं रखना है आपको। केंद्रीय में और दरारी में आप समझ गए होंगे कि केंद्र से उद्गार, मतलब जो वेंट पाइप है वहाँ से जो पदार्थ निकलते हैं वो कैसा होगा, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होंगे। उसके बाद में इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं ज्वालामुखी के, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। इसे कहते हैं प्रकाश का स्तंभ। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्तंभ या भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार, भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार, लाइटिंग हाउस कहते हैं, लाइटिंग हाउस। डॉक्टर वाले हैंडराइटिंग वाली थोड़ी ठीक है उससे, तो है ना। तो क्या कहते हैं इसको, लाइन ठीक है, गायब हो गई। क्या पढ़ रहा है सुश्याम ज्वालामुखी? देखिए कहाँ है, इटली के सिसली द्वीप के पास एक लिपारी द्वीप है, सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप है, वहाँ ये स्थित है। और इसमें सदैव क्या है, गैसें प्रज्वल, जो जलने वाली गैसें जैसे H2 हो गई, वो निकलती हैं इसके अंदर, जिसके कारण इसका आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है, और इसी के करके इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रकाश मीनार। कहाँ? इटली के सिसली, सिसली एक द्वीप है, इस द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप पर स्थित। तो ये इतने से नाम याद रखने हैं आपको इसमें। क्या स्ट्रोम्बोली तुल्य, जिसे क्या कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश मीनार या प्रकाश स्तंभ, लाइटिंग हाउस, इटली के सिसली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है।
उसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। इसके अंदर देखते हैं हम कि जो किलायु यूएसए है, किलायु कहाँ है यूएसए में, ये अभी इसको बोला सर्वाधिक सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी हर 15 मिनट में उद्गार होता रहता है। अभी हाल ही में किसको माना गया है, ये हाल ही में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना गया है किलायु यूएसए को, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किसको माना गया है, किलायु को। इसके बाद में हम बात करते हैं माउंट एटना, जो कहाँ है, इटली के सिसली द्वीप पर, माउंट एटना सिसली द्वीप पर, और ये कहाँ है अपन पहले ही लिख चुके हैं, इटली के। उसके बाद में कोटोपैक्सी इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये जो है माउंट एटना विश्व का प्राचीनतम प्राचीनतम ज्वालामुखी है, प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा माउंट एटना। इसके बाद में हम बात करते हैं कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में, इक्वाडोर का जो पठार है, इक्वाडोर का पठार यहाँ स्थित है कोटोपैक्सी। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इसकी विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। इसके बाद में पिनाटोबो, पिनाटोबा, माउंट मेयान और माउंट तुला, ये सारे किसके हैं, फिलीपींस के हैं, जिसके अंदर माउंट मेयान इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, यहाँ लिखते हैं फिलीपींस के माउंट मेयान इस टाइप का है, फिलीपींस का माउंट मेयान। एक बैरन द्वीप है भारत का, वो भी इसी के अंदर आता है, जो कहाँ है अंडमान एंड निकोबार में, माउंट इरेबिस अंटार्कटिका, माउंट कैमरून अफ्रीका, माउंट कैमरून अफ्रीका का है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और अंटार्कटिका का इरेबिस, अंटार्कटिका का इरेबिस, माउंट इरेबिस, और बैरन कहाँ का है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका में कैमरून और इंडिया में बैरन। तो देखिए अभी जल्दी से एक बार कर लेते हैं कंप्लीट, जागृत सक्रिय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो समय समय में उद्गारित होते रहते हैं। स्ट्रॉम्बोली है एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर, इसकी विशेषता क्या क्या है, भूमध्य सागर पर इसको क्या कहते हैं, प्रकाश की मीनार है ये, भूमध्य सागर की प्रकाश की मीनार। इटली के सिसली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर। किलायु यूएसए का है, जो कि हाल ही में सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले अगर बात आती है ऑप्शन में, अगर ये दोनों आते तो आपको किलायु करना, अगर ये आता तो आपको स्ट्रॉम्बोली पे क्लिक करना है, इनमें से कोई पे क्लिक मत करिएगा। माउंट एटना कहाँ, सिसली द्वीप पर है, प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर का पठार है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में फिलीपींस में
तीन टाइप के जो ज्वालामुखी है, एक माउंट म्यान, माउंट तुला और पिनाटोबा, तीनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, माउंट म्यान की, जो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून है। उसके बाद में अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट एरेबस है, और बैरन कहाँ का है, अंडमान निकोबार का। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो जिसमें उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, लंबे समय से जिसमें उद्गार नहीं हुआ है, लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, ठीक है। सोए हुए ज्वालामुखी होते हैं, वो कभी भी जाग सकते हैं ना। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर मुख्य मुख्य जो बात करते हैं हम, वो विशुवियस इटली, क्राकोटोवा इंडोनेशिया, हिबक हिबक फिलीपींस। विशुवियस कहाँ का है, इटली। विशुवियस इटली, क्राकाटोआ इम्पोर्टेंट है, क्राकाटोआ, हिबक हिबक, साथ में ये भी याद रखना जरूरी है कि कहाँ है। तो क्राकाटोआ कहाँ है, इंडोनेशिया में, और हिबक हिबक फिलीपींस में, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो फिलीपींस के चार आ गए हैं अभी आप लोगों के सामने, कौन कौन से, माउंट तुला, माउंट म्यान, पिनाटोबा एंड दिस वन इज हिबक हिबक। और फ्यूजीनामा कहाँ का है प्रसिद्ध, फ्यूजीयामा जापान का। अगर भारत की बात करें यहाँ पे तो नारकोडम, भारत का जो नारकोडम जो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में ही है। 2009 के बाद इसे किसके अंदर मिलाया गया है, प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर मिलाया गया है। तो नारकोडम कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में, भारत में, ठीक है। तो इसको कब, 4 के बाद, नहीं दिख रहा मुझे पीछे वाला तो दिखा ही नहीं होगा, यहाँ तक दिख रहा है और नीचे यहाँ तक दिख रहा ना, यहाँ तक पीछे वाले वीडियो में तो दिखा ही नहीं होगा फिर, है ना, पीछे वाले सेक्शन। चलो कोई बात नहीं, आज ऐसे जाना क्यों। विशुवियस इटली, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, हिबक हिबक फिलीपींस, फ्यूजीयामा जापान, नारकोडम अंडमान निकोबार भारत। 2004 से इसको इसमें मिलाया गया है। तो ये ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी है सुसुप्त, जागृत और मृत प्राय, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए सुसुप्त। और नारकोडम पूछने के चांस है क्योंकि 2004 से ही इसको सुसुप्त ज्वालामुखी में मिलाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर जो उद्गार होते हैं वो भयानक होते हैं, विनाशक होते हैं, विनाशक होते हैं, क्योंकि अचानक ही होता है, काफ़ी लंबे समय के बाद इसके अंदर जो धधकते हुए पदार्थ हैं वो निकलते हैं, इस कारण ये विनाशक होते हैं। जो भी जनधन की हानि होती है ना वो इसी के कारण होती है, जनधन की हानि इसी ज्वालामुखी के कारण सर्वाधिक होती है। ये हुए हमारे जागृत और सुषुप्त ज्वालामुखी। अब बात करेंगे मृत या शांत ज्वालामुखी जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं रब कर रही हूँ, ये मृत या शांत ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें अब उद्गार की कोई भी संभावना नहीं है लेकिन
पता है कभी कभी होता है ऐसा, हम सोचते हैं कुछ ही है, हो ही कुछ जाता है। चुन चुन तो एक ज्वालामुखी था ऐसा, नाम तो याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर जो जिसको मृत के अंदर डाला गया था, लेकिन वो क्या हो गया, वापस विस्फोटक हो गया। अब देखिए पढ़ते हैं, जिनमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है तथा आगे भी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, जो मर चुके हैं विस्फोट की कोई संभावना नहीं है वे ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अच्छा वो उसी का था क्या, कोई बात नहीं वापस लिख देंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो माउंट कोपा, किलिमंजारो, एकांगुआ, कौन कौन से एग्जांपल, माउंट कोपा, किलिमंजारो और एक कौन सा रह गया, एकांगुआ। तो माउंट कोपा कहाँ है, म्यांमार, तंजानिया और अर्जेंटीना। म्यांमार, तंजानिया और अर्जेंटीना, टीना। माउंट कोपा की हम बात करते हैं तो देवमंद, कोह सुल्तान ये भी इसी के अंदर हैं। कहाँ है ये सारे, ईरान में, ईरान में। कौन, देह सुल्तान है क्या, देवमंद कोह सुल्तान ये तीन भी कहाँ है, ईरान में, और माउंट कोपा म्यांमार। फिर हम बात करते हैं, ये इसके आगे नहीं लगाना है, ये ज्वालामुखी माउंट कोपा म्यांमार ईरान के देवमंद कोह सुल्तान किस कैसे हैं, मृत ज्वालामुखी हैं। किलिमंजारो कहाँ, तंजानिया, जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, उसके बाद में एकांगुआ की बात करते हैं जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण अमेरिका की, कहाँ की, दक्षिण अमेरिका की, अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी और विश्व का सबसे ऊंचा स्थित पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा स्थित पर्वत। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय पर्वत वो कौन था, कोटोपैक्सी, कौन था वो, कोटोपैक्सी। अब यहाँ पे ये तीन हो गए इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे, एक ये रहा ईरान के तीन, देवमंद कोह और सुल्तान ज्वालामुखी। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ उद्गार की अवधि के आधार पे। अब हम बात करेंगे किसके आधार पे, उद्गार के आधार पे, और उसके अंदर हम बात करेंगे केंद्रीय के आधार पे। टाइम देखिए थी, चलिए विशुवियस तुल्य और पीलियन तुल्य, हवाई तुल्य की बात करते हैं। सबसे पहले ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस टाइप के ज्वालामुखी कहाँ, हवाई द्वीप पे मिले थे, तो उसको इस ज्वालामुखी को उद्गार के आधार पे क्या बोल दिया कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी।
क्या है इसके अंदर मेन चीज़ें, कि मंद गति से इसका उद्गार होता है, विस्फोट बहुत ही कम होता है, गैसें धीरे धीरे लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट होती है। क्या मंद गति से होता है? मंद गति से उद्गार, चाहे शांत कह दो या मंद कह दो। और जो पदार्थ गैस अलग कब होती है? धरातल पर आने के बाद, धरातल पर, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे लाल पिंड हैं, वो विखंडित होते हैं। कैसे? छोटे छोटे लाल पिंड, लाल पिंड विखंडित। और जब ये विखंडित होते हैं तो आकाश में फैल जाते हैं, और जैसे ही आकाश में फैलते हैं तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि लावा, जो कोई पीले रंग का पक्षी उड़ रहा है प्रकाश में, तो वो लोग क्या नाम देते हैं इसको, कि कोई बाल उड़ रहे हैं। इसके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो आकाश में उड़ रहे होते हैं, और ऐसा लगता है नीचे से देखने पे कि वो बाल उड़ रहे हैं। तो जो हवाई देवी के लोग थे उन्होंने ऐसे क्या माना कि अग्नि देवी पीली नाम था जिसका, वो क्या है आकाश में विचरण कर रही है। क्यों कहा? क्योंकि जो छोटे छोटे लाल पिंड थे, जैसे ही इस उद्गार से विखंडित होकर आकाश में दूर तक पहुंचते हैं, क्योंकि विस्फोट तो भयानक होता है, इससे बहुत टाइम का दबा हुआ गर्म पदार्थ जब उद्गारित होता है, स्थल पे आता है, तो मतलब ऊंचाई तक जाएगा और आकाश में बहुत दूर तक फैल जाएगा। और आकाश में बहुत दूर तक फैलने से जो इसके टुकड़े थे वो लाल लाल रंग के होते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कोई बाल हिल रहे हो ऊपर। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी अग्नि देवी है पीली, वो आकाश में विचरण कर रही है। और हवाई द्वीप पर होने के कारण इसको नाम दिया गया कि ये क्या है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। बस इतनी सी बात है, हवाई द्वीप पर इस प्रकार के ज्वालामुखी मिले तो इसे नाम दे दिया हवाई तुल्य ज्वालामुखी। अब इसकी नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है वेलकोनो तुल्य ज्वालामुखी? तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है वो बहुत ही भयानक होता है, भयानक विस्फोट होता है। और भयानक विस्फोट होने के साथ साथ यहाँ क्या होता है, जो SiO2 की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है, चिपचिपा लावा होता है। SiO2 की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है तो चिपचिपा लावा निकलता है और क्या होता है, छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। जो चिपचिपा होगा तो छिद्र को क्या कर लेगा, ढक लेगा। और इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति कैसी है, फूल गोभी जैसी इसकी भी, और जो विसुवियस है उसकी भी आकृति फूल गोभी जैसी होगी। अधिक ऊंचाई तक प्रकट होते हैं ये, तो जैसे ही ऊंचाई पर प्रकट होंगे तो बादल जैसी ऐसी संरचना बन जाएगी, तो वो कैसे लगेगी, फूल गोभी तक ऊंचाई पर प्रकट होने के कारण। बस और कुछ इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कैसे इसकी आकृति कैसी है, फूल गोभी जैसी आकृति है। और ऐसे ज्वालामुखी हैं कहाँ, तो इटली के लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वेलकेनो ज्वालामुखी का ही नाम है। एक लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, लिपारी द्वीप पर ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है, वेलकेनो। तो इसी आधार पे इसका नाम क्या रख दिया गया, वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी। यह हमारे दो ज्वालामुखी कंप्लीट हुए, किसके आधार पे, केंद्रीय उद्गार के आधार पर। क्या है, विस्फोटक होते हैं, भयानक विस्फोट करते हैं, हानि होती है इससे, चिपचिपा पदार्थ होने के कारण क्या होता है, जो क्रेटर होता है उसी पे जमाव कर जाता है और छिद्र को ढक लेता है। आकृति कैसी होती है, फूल गोभी जैसी होती है। ऊंचाई पर प्रकट होने के कारण बादल बन जाते हैं गैस के, धूलकण के, तो वो कैसे कैसा लगता है, फिर फूल गोभी जैसा लगता है। और कहाँ, लिपारी द्वीप के ज्वालामुखी वेलकेनो पर स्थित है। इसके बाद में स्ट्रॉम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की हम बात करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। लावा में एसिड की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है कम होती है, कम होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फिर लावा पतला होगा और हल्का होगा,
अगर अधिक होगी तो, और कम है तो पतला और हल्का नहीं होता, जिस कारण क्या होता है पदार्थ दूर दूर तक चले जाते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी है कहाँ? सिसली द्वीप पर। यह हमने पढ़ लिया कि स्ट्रॉम्बोली कहाँ है, तो उसके आधार पे उसको नाम दे दिया स्ट्रॉम्बोली तुर्बे। हवाई की तुलना में ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक इसकी तुलना में है कहाँ? इटली के सिसली द्वीप पर, सिसली द्वीप पर। एसिड की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, एसिड कम है तो वो कैसा है? पतला व हल्का नहीं है, भारी है, हल्का नहीं है। तो इस तक इस कारण दूर दूर तक ये फैल जाते हैं। और ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि इसमें हमेशा उद्गार होता ही रहे। अब हम बात करेंगे विसुवियस, वो कैसा है? वोल्केनो जैसा ही है, वोल्केनो जैसा ही है। इसकी आकृति भी फूल गोभी की जैसी ही होती है। तीव्रता होती है इसकी, तीव्रता तो आकाश में दूर तक फैल जाता है, आकाश में दूर तक फैल जाता है। कैसा है? वोल्केनो तुल्य के समान ही है, वोल्केनो के समान ही है, के समान ही है। तो शेप कैसी होगी इसकी भी? फूल गोभी जैसी, फूल गोभी जैसी। क्योंकि देखिए आकाश में दूर तक फैलेंगे तो बादल बनाएंगे ज्वालामुखी। उसके बाद में इसका देखते हैं और, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो प्लिनी महोदय, उन्होंने प्रवेक्षण किया है इस पर, और उद्गार वाले ज्वालामुखी को किसने प्रवेक्षण किया? प्लिनी ने, प्लिनी ने प्रवेक्षण किया। इस कारण इसको किसको? विसुवियस को, विसुवियस है, याद रखिएगा, कहीं पिलियन तुल्य कर दो, विसुवियस। तो इसे और क्या नाम दे दिया यहाँ पे फिर? पिलियन प्रकार का, पिलिनियन प्रकार का, क्या? पिलिनियन प्रकार। थोड़ा आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखोगे तो जल्दी भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके आने वाले समय तक अपना हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, है ना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तो फिर खुद से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार वीडियो अपन को गैस हो जाता है कि भी किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद में बुक उठाइए और फिर देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। पहले ही बुक उठाते पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है, एक पैराग्राफ ही पढ़ पाते हैं उसके बाद में नींद आने लगती है, लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद हम बुक पढ़ते हैं तो हाँ यार ये तो पढ़ा था हमने, है ना, फिर वो वहाँ समझ में आने लगता है। अब बात करते हैं पिलियन तुल्य, ये क्या था? प्लियन प्रकार का, और वो क्या है? पिलियन तुल्य। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे अधिक जो विनाशकारी है वो क्या है? पिलियन तुल्य है सबसे अधिक विनाशकारी, क्योंकि बहुत मतलब कठोर पट्टी जमा होती है यहाँ पे, उसको तोड़ के ये निकलते हैं, तो इसका जो निशिष्ट लावा है और विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। वही बात की गैसें इसके अंदर भी प्रज्वलित होगी सबसे ज़्यादा, और उसी के कारण इसको नाम दिया गया है पिलियन तुल्य। एक द्वीप है मार्टिनी द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह में, मार्टिनी द्वीप, यहाँ पर विस्फोट हुआ था तो आसपास का जो भी एरिया था वो कैसा हो गया था? पीला हो गया था, पीला ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उद्गार। तो उसी के आधार पर फिर इसे क्या कह दिया? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी, विनाशकारी होते हैं। इसके बाद में अगर देखेंगे कि वो उद्गार कब हुआ, तो वो 8 मई 1902 में हुआ था। मार्टिनी द्वीप पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह में है,
और उद्गार कब हुआ यहाँ पे? 8 मई 1902 में हुआ। कब हुआ उद्गार? ये 1902 में। तो क्या हुआ, मार्टिनी द्वीप में जो आसपास का जो भी एरिया था वो कैसा हो गया था? पीली ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, तो मतलब येलो येलो हो गया था, उसी के नाम पे इसको पिलियन तुल्य ज्वालामुखी नाम दे दिया था। ये हमारे हुए केंद्र के आधार पर। अब हम बात करेंगे दरारी उद्गार, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पहले मैंने बताया कि एक लंबी दरार के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, उद्गार होता है। जहाँ भी इसकी कमज़ोर चट्टाने होंगी वहीं यहाँ उद्गार हो जाएगा। एक जो कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार, और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार किसका? भारत का, इसी से बने हैं ये दोनों पठार। किससे बने हैं? दरारी उद्गार से ही बने हैं। कोलंबिया कहाँ है? यूएसए का, एक ब्राज़ील का और, लेकिन ब्राज़ील का भी ऐसा ही बना था, ब्राज़ील का पठार। तो एक चीज़ और निश्चित होती है यहाँ से कि दरारी उद्गार से ही पठारों का निर्माण होता है, और इसके अंदर कुछ मेजर लगा नहीं। बाकी की जो इसके अंदर है कारण और विश्व में वितरण ज्वालामुखी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तक गई है।